जय हिंद दोस्तों, आज बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर के बारे में। रेडियो ऑपरेटर से जो भी रिलेटेड अपडेट निकल के आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ आज। क्यों एग्ज़ाम में डिले हो रहा है या फिर क्यों चीज़ें लेट कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश सिंह है, पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर हूँ। रेडियो ऑपरेटर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे उम्मीद था कि आपका जनवरी तक हो सकता है फरवरी तक, बट मार्च आ गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि रेडियो का ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। डिले करने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि जिसके जितना डिले हो रहा है उस वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फॉर्म जितने फिल किए गए हैं उतने तो रहेंगे ही, बट उसमें भी लोग कोई ज़्यादा तैयारी कर रहा है, जो कम तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो तो रह जाएंगे। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, स्कोरिंग हाई जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट UPSI वाला ही है, ये होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा, रनिंग होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है टेंडर को लेकर आती है। टेंडर तो आपको मिल गया है, टेंडर मिल गया है, लेकिन सबसे जो बात निकल के आ रही है कि अभी तक क्वेश्चन पेपर रेडी नहीं है। क्वेश्चन ही सिलेक्ट नहीं है, क्वेश्चन पेपर रेडी नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम कहाँ से होगा? समझ रहे बात को? ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इस भर्ती को लेकर इतनी ढीली हो गई है गवर्नमेंट, पता ना क्यों डिले कर रही है, नहीं पता। अभी नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं अलग अलग भर्ती के, जैसे UP कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इतने भर्ती आएंगे, इतने पोस्ट आएंगे। बस ये उम्मीद रखा जा सकता है UP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपका ये इसका एग्ज़ाम कर दिया जाएगा। बट इस पोस्ट, इतनी अच्छी पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर की, बट इसको इतना निग्लिजिबल किया जा रहा है, पता ना क्यों। मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आपको बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है मई जून से पहले उम्मीद मत रखिए। अभी 2-3 महीना बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कोई एग्ज़ाम होने वाला है इसका, ठीक है। इस साल तक कराया जा सकता है ये उम्मीद है, लेकिन 2-3 महीने तक कोई भी उम्मीद मत रखिए कि एग्ज़ाम हो सकता है। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपना अलग एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हटा दें तो बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो आप लोग और भी चीज़ें सिलेबस करते रहें। जैसे UP गवर्नमेंट ने अपना UPSI का कितनी जल्दी जल्दी भर्ती किया, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट थे, समझ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, जल्दी जल्दी उसको किया, 2-3 साल के अंदर का निपटा दिया मामला। अब बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका कम पोस्ट है, इसको पता ना क्यों निगलेक्ट कर रही है। पिछले साल फॉर्म भरा गया, ये सब कुछ हुआ, अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, साल भर हो गया है, इसको एग्ज़ाम करा लेना चाहिए था। बट अभी तक आप लोग के लिए एक ही चीज़ बता दूँ कि जो लोग सोच रहे थे जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी मई जून तक भी, जून जुलाई तक मान के चलिए कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो टेंडर लिया गया है, एक तो पहले कंपनियां टेंडर नहीं ले रही हैं, जब ले रही हैं तो उनको भी डिले लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो जाता है बहुत चीज़ें, सरकारी काम है भाई, टाइम तो लगता ही है। तो ये मेन प्रोसेस है आपका कि आप अगर आपके बीच में इस 2-3 महीने में 4 महीने में कोई और एग्ज़ाम है तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इसको थोड़ा होल्ड पर रख दीजिए, कंपटीशन तैयारी कर दे, क्योंकि बाकी सब चीज़ सेम है, बस टेक्निकल चीज़ें ही अलग है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो आप और भी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करते रहे, मेरे हिसाब से लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, समझे। बाकी और कुछ तो नहीं है, क्योंकि इतना लेट और इतना डिले करने का कोई रीज़न बनता नहीं है, समझ रहे हैं आप, यही मेन बात थी बताने के लिए। लेकिन ये उम्मीद रखिएगा आपका कि जो UP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कितना लेट कर रही है, क्या कर रही है, वो वही जानती है क्यों लेट कर रही है, क्योंकि इसका पोस्ट भी कम है, चीज़ें कम है, एक तरह से लग रहा है भूल सी गई है कि उन्होंने UP रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी निकाला है। तो ये भाई प्रोसेस चलता रहता है, बस आप लोग उम्मीद रखिए कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इस साल तक ही होगा, बस अभी 2-4 महीने के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम है, मेरा मेन वीडियो बनाने का ये मोटा, 2-4 महीने के अंदर कोई एग्ज़ाम है आप उसको मेन प्रायोरिटी दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट अलग है, इसलिए और भी कोई वीडियो देखनी हो UP रेडियो ऑपरेटर से, अगर कुछ जानकारी चाहिए कोई भी कमेंट तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।